अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने सेगमेंट उल्टी पुल्टी बातों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस सेगमेंट को पसंद कर रहे हैं और अच्छे कमेंट्स भी लिख रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यार, मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे मेरी वीडियोज़ को, उतनी मुझे मोटिवेशन होगी और उतनी मैं वीडियोज़ अच्छी से अच्छी बनाऊँगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही मालूम जो है पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। अच्छा, आज जो है वो हम बात करेंगे, आपको याद होगा हम जब छोटे थे तो सबसे ज़्यादा बोरिंग काम जो था खाने पीने में हमें लगता था कि जी मिल्क यानी कि दूध, दूध पीने के लिए जो है वो ऐसा लगता था कि कोई पहाड़ हमारे सर पर गिर गया है। और अम्मा जो है वो पीछे पीछे दूध का गिलास लेके घूमती थी और हम लोग जो है वो कोशिश करते थे कि किस तरीके से इस दूध की गिलास जान छुड़ा ली जाए। और अगर कभी पकड़े भी आते थे तो फिर क्या करते थे कि नाक बंद करके जो है वो दूध पी लिया करते थे और बड़ा बोर फील करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि दूध जो है वो बहुत ज़्यादा मिनरल्स यानी कि मादनियात और विटामिन जो है उसके अंदर होते हैं और बहुत ही तवानाई मुहैया करता है। इस पर हम कभी और बात करेंगे डिटेल में, और मैं पूरा एक व्लॉग करूँगा जिसमें बताऊँगा कि मिल्क के अंदर क्या क्या मतलब मादनियात होते हैं, विटामिन होते हैं और कितना फ़ायदेमंद है। आज हम कुछ और बात करने वाले हैं, हम दूध के हवाले से कुछ वहम हैं उनके बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन वहम को दूर किया जाए। तो अच्छे से पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपके साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। पाकिस्तान जो है वो टॉप 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें जो है वो शामिल होता है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध से बनने वाली चीज़ें जो है वो बनाते हैं और दूध प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि सबसे पहले जो है वो भारत है जो कि तकरीबन 198 मिलियन टन जो है वो दूध प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अमेरिका जो कि 100 मिलियन करता है और पाकिस्तान जो है 47, यानी कि टॉप 3 कंट्रीज में पाकिस्तान का शुमार होता है। अच्छा, इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 231 किलोग्राम पर ईयर जो है वो बढ़ के जो है 219 तक पहुँच गया है। यानी कि 2019 में तकरीबन रफली ये अंदाजा लगाया गया है कि तकरीबन 250 किलोग्राम दूध जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि ये पाकिस्तान और भारत जो है दूध पैदा करने वाले टॉप 2 और 3 कंट्रीज़ में आते हैं। और लेकिन बदकिस्मती से होता ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो छोटे किसान हैं जिनके पास गाय भैंसें हैं और उनसे वो दूध प्रोड्यूस करते हैं और जो कि सप्लाई कर देते हैं बगैर किसी प्रोसेस के। अच्छा, ये तो कोई बात नहीं है बगैर प्रोसेस के वो सप्लाई कर देते हैं, लेकिन हमारी जो है वो मेजॉरिटी आवाम जो है वो इस बगैर प्रोसेस के दूध को यानी कि फ्रेश दूध को जो है वो खुले दूध को इस्तेमाल करने में ज़्यादा इत्मीनान उनको मिलता है। और मुश्ताक अहमद यूसुफी एक उर्दू राइटर थे, इंतकाल हो गया उनका, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि मुझे इस बात पर गुस्सा नहीं आता कि लोग हकीम के पास जाते हैं, मुझे इस बात पर गुस्सा आता है कि लोग ठीक भी हो जाते हैं। तो लोग बेचते हैं, बेचने से ज़्यादा जो है ख़रीदने वाले जो है वो इस बात पर मुज़िर होते हैं कि हमें जो है वो खुला हुआ दूध चाहिए। तो खैर, खुले हुए दूध जो है उसके अपने ज़र्रे आते हैं, लेकिन जो लोग पीते हैं खुला हुआ दूध वो पूरी साइंस आपको समझाते हैं कि भाई वो खुला हुआ दूध क्यों पीते हैं। अब अगर आप उनके साथ बैठ जाएं और बात करने की कोशिश करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि भाई खुला दूध जो है वो मुजर सेहत है, तो वो कहते हैं ना ऐसा नहीं है। और वो बताते हैं बहुत सारे ऐसी बातें जो आप भी सुन के हैरान जाते हैं, अच्छा ऐसा भी है। तो खुले की बात करते हुए लोग कहते हैं कि इसकी जो बिल्कुल फ्रेश आता है, ऐसा लगता है कि गाय के थन से डायरेक्टली जो है वो अपने मुँह में डालने, बिल्कुल ताज़ा बिल्कुल फ्रेश दूध होता है। तो इसमें कुछ भी शामिल नहीं होता है, इसलिए बेहतरीन दूध होता है। और अगर इसको जो है वो प्रोसेस किया जाए या पॉस्चराइज किया जाए या अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे जो है वो ट्रीट किया जाए, तो भाई ये तो आर्टिफिशियल हो जाएगा, तो मसनू हो जाएगा। तो बेहतर है कि आदमी जो है वो कोई भी ग़िज़ा हो वो ऐसी ग़िज़ा होनी चाहिए जो असली हो, बस असली ताकतवर होती है, ये आर्टिफिशियल ताकतवर नहीं होती। अच्छा जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है। शायद आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में जब डैम बनाने की बात होती है तो ये कहा जाता है कि जी अगर पानी जो है उससे बिजली बनाई गई तो पानी की तो सारी ताकत निकल जाएगी, तो पानी तो फिर कैसे पिएंगे हम, बेकार है पानी पीना। तो इसी तरह की बात है कि अगर हम दूध को जो है वो प्रोसेस कर लेंगे, पाश्चराइज कर लेंगे, तो उसकी तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वो तो मसनू बन जाएगा, वो दूध कहाँ रहेगा, तो फिर पीने का क्या फ़ायदा है। अच्छा, इसी तरह से
ये कहते हैं कि जनाब दूध जो है उसके अंदर, क्योंकि वो जानवरों से डायरेक्ट आ रहा होता है, इसलिए उसके अंदर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई जरासीम उसमें शामिल दाखिल हो सके। अच्छा ठीक है। अच्छा ये भी कहते हैं लोग कि लैक्टोज इंटॉलरेंस और दूध से एलर्जी, भाई ये तो कोई बात नहीं है, दूध से एलर्जी कहाँ होती है, हमने तो आज तक नहीं देखा दूध पीने वालों को एलर्जी हुई हो। और ख़ासतौर पर जो असली गिज़ा है, असली गिज़ा से तो एलर्जी हो ही नहीं सकती। तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस वही सारी बातें फजूल हैं, ये खालिस दूध से, खुले हुए दूध से तो हो ही नहीं सकती। हाँ अगर पैक दूध पिया जाए तो शायद एलर्जी हो, क्योंकि उसमें डब्बे के अंदर जो है वो कुछ ऐसे केमिकल डाल दिए जाते हैं और कुछ ऐसे कलर डाल दिए जाते हैं जिसकी वजह से एलर्जी हो सकती है, लेकिन खुले हुए दूध से ना कभी भी एलर्जी हो ही नहीं सकती। अच्छा इसी तरह से ये कहते हैं कि चलो ठीक है मान लेते हैं भैया आपकी बात, ये पाश्चराइज दूध जो है या पैक दूध जो है वो सेहत के लिए सही है, तो भाई क्या फ़र्क पड़ता है, हम घर में जाके उबाल लेते हैं, उबालना भी तो वही है भाई, आप यही कह रहे हैं ना टेम्परेचर और हीट ज़रूरी है उसके लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, जरासीम को मारने के लिए, तो हम घर में उबाल लेते हैं, तो क्या ज़रूरत है हमें जो है वो डिब्बे वाला दूध खरीदने की। तो इस तरह के जो है बेशुमार किस्म के बातें करते हुए लोग नज़र आएंगे, लेकिन हकीकतन कुछ और बात है। हकीकतन बात यह कि जो खुला हुआ दूध है, रॉ मिल्क है, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जरासीम पाए जाते हैं, जिसमें सलमोनीला है, ईकोलाई है, लिस्टीरिया है, इस तरह के बैक्टीरिया बहुत सारे पाए जाते हैं और जिनकी वजह से जो है काफ़ी बीमारियाँ होती हैं। अच्छा एक मुताले के मुताबिक जो कहते हैं 150 गुना ज़्यादा जो है वो इन रॉ मिल्क यानी कि खुले हुए दूध और कच्चे दूध से जो है वो ये बीमारियाँ ट्रांसफ़र हो सकती हैं, और तकरीबन 7% छोटे बच्चों में जो बीमारियाँ फैलती हैं वो इन्हीं दूध की वजह से होती हैं, यानी कच्चे दूध की वजह से, खुले हुए दूध की वजह से। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कच्चा दूध जो है वो इस कदर आलूदा कैसे हो जाता है, तो मुख्तलिफ तरीक़े हैं जिसकी वजह से ये आलूदा हो जाता है या ख़राब हो जाता है या ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसमें यह हो सकता है कि जानवरों का, गाय भैंसों का जो है फजला शामिल हो सके, इसके अलावा जो है वो जो गाय के थन हैं उनमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इसे मेस्टाइटिस वगैरह हम लोग कहते हैं, वो उसके इन्फेक्शन जो है वो दूध में मिल के आ रहा हो, उसमें जरासीम शामिल हों। गाय के अंदर जो है ख़ासतौर पर एक तपेदिक, बोवाइन तपेदिक जिसे हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, वो होने के चांसेस होते हैं, तो वो भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा जल्द जो है जल्द के ऊपर बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, वो डायरेक्टली जो है दूध में शामिल हो सकते हैं। माहौल का भी जो है वो प्रोसेसिंग है, हैंडलिंग है, और बहुत सारे बर्तन हैं उनकी गंदगी है, किस तरह से साफ़ किए जा रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारे जरासीम शामिल हो सकते हैं। अच्छा ये भी हो सकता है कि जो वर्कर्स हैं वो बीमार हों और वो किस तरह से हैंडलिंग कर रहे हैं, उनकी हाइजीन कंडीशन कैसी है, वो हाथ धो रहे हैं नहीं धो रहे हैं, पर्सनल हाइजीन कैसी है, वो ग्लव्स पहने हुए नहीं पहने हुए, उनकी वजह से भी एक इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा जो कीड़े मकौड़े हैं वो शामिल हो सकते हैं दूध के अंदर अगर खुला हुआ दूध रखा गया है। इसके अलावा जो है चूहे वगैरह, चूहे जो है उनके पेशाब से ख़ास किस्म का बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफ़र होता है, लिस्टीरिया कहते हैं, तो बहुत सारा चांसेस है कि ये उनसे ट्रांसफ़र हो सकें और दूध के अंदर शामिल हो सकें। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने किस किस तरीके से जो है ये दूध आलूदा किया हो सकता है, और आलूदगी की वजह से आपको बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि 150% ज़्यादा चांसेस है खुले हुए दूध या रॉ मिल्क से यानी कच्चे दूध से आपको जो है बीमारियां पैदा हो सकें। अच्छा जो पॉइंट आप से मैं बात कर रहा था कि भाई लोग कहते हैं कि बॉईल कर लेते हैं, अरे भाई बॉईल करने से तो उल्टा नुकसान होता है, अगर आप उसको बॉईल कर रहे हैं ओपन उसके अंदर तो तकरीबन 36% यानी कि 36% जो है उसकी तवानाई उस उड़ जाती है, गायब हो जाती है, और उसमें विटामिन B6 जो है वो 24% गायब हो जाता है 24% तक, तो बॉईल करके उसको उल्टा नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो एक ही तरीका है जिसके तरीके से जो है वो ये सारी आलूदगी होने के बावजूद भी जब दूध जो है इन सारे मराहल से गुजर के पहुँचता है उसके बाद पॉस्चराइज किया जाता है या UHT अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर ट्रीट किया जाता है, तो उसकी वजह से सारे जरासीम जो है मर जाते हैं, और जो पैक दूध आपको मिलता है वो खालिसतन जो है वो बिल्कुल पाक और साफ होता है इन सारे जरासीम से, और आपको बीमारियों के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा भाई ये सारी डिस्कशन कहीं कहीं कोई मान भी ले आखिर में, कहता है ठीक है यार मेरा दिमाग मत खाओ, मैंने तुम्हारी बात मान ली कि पैक दूध जो है वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। आखिरी दलील जो हमेशा आपने देखा होगा कि हर डिस्कशन में हम लोग देते हैं कि भाई ये जो दूध है ये हमारे दादा अब्बा अम्मा सारे लोग जो है अरसे दराज से खुला दूध पीता आ रहे हैं,
भाई हमने तो उनको बीमार नहीं देखा। पहली बात तो ये कि आपको पता ही नहीं चलता होगा कि ये दूध की वजह से बीमार हुए हैं। दूसरी बात ये कि ये अनप्रेडिक्टेबल है, किसी को भी ये बीमार कर सकता है। लेकिन ख़ास तौर पे जो लोग जो कुव्वत मुदाफ़ा जिनमें कम है, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको काफ़ी चांसेस आएंगे ये कच्चा दूध या खुला हुआ दूध जो है बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये दलील जो है वो बेसिकली ठीक नहीं है, ये दलील जो है एप्लीकेबल नहीं है। 90% लोग जो है वो या 80% लोग अगर किसी वजह से अफेक्टेड हैं और 10% नहीं हो रहे आप केयर दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूध जो है वो फ़ायदेमंद है और नुकसानदेह नहीं है। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत बात मेरी समझ में आई होगी। लेकिन वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, लेकिन उसका इलाज सिर्फ एक ही है कि आप अच्छी से अच्छी और नई से नई मालूमात हासिल करने के लिए कुछ ऑथेंटिक किस्म की वीडियोज़ देखिए, वेबसाइट सर्च कीजिए और लोगों से डिस्कशन कीजिए, ताकि आपके वहम जो है वो दूर हो सके। आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने आपको कहा है सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन होगी, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। आपसे अगले व्लॉग मुलाकात होगी। अगले की मान, टेक केयर।